rahim starting with the name of allah uh, we'll start with appendix three uh, uh inshallah from today to do at least five verbs so you will people will be able to do the present and past tense so स्टार्टिंग फ्रॉम इट इफ़ वी आर यूजिंग एम एम आई इज़ एम आर मैंने आपको बताया था वी यूज़ इज़ एम आर दीज थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस ठीक है तो एम अगर आप जैसे आई एम अगर आपने इंग्लिश में सॉरी प्रेजेंट टेंस में बोला है आई एम तो आपने उसको पास्ट में चेंज करना है तो आप एम की जगह क्या यूज़ करते हो वॉज आई वॉज़ इसी तरीके से आर ए आर ई आर अगर आप प्रेजेंट में कह रहे हो यू आर ठीक है यू मैंने आपको बताया था कि आर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है सो इफ़ यू आर यूजिंग आर इन द प्रेजेंट टेंस सो आप उसको अगर पास्ट में करोगे सो यू विल बी यूजिंग वर यू वर ठीक है इसी तरीके से अराइज आ का क्या मतलब है जागना ठीक है <coughs> अगर प्रेजेंट में अराइज है तो हम उसका पार्टिसिप सॉरी पास्ट में करने के लिए क्या करेंगे अरोज ए आर ओ एस ई अरोज ठीक है अवेक जागना अराइज उठना अवेक जागना आ, अवोक ठीक है उसका क्या होगा अवोक और ये सब क्या है ये हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस और का जो भी प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो और वो पास्ट में जाते हुए कम्प्लीटली चेंज हो जाता है तो वो क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ठीक है ठीके? इसी तरीके से देखें बियर बियर का क्या मतलब है बर्दाश्त करना देखें बी ई ए आर है ठीक है बियर का क्या मतलब है बर्दाश्त करना तो उसकी जब हम पास्ट फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोर बी ओ आर ई बोर ठीक है सो <coughs> so, इसी तरीके से बीच बीच बीट की क्या होती है बीट ही रहती है ठीक है सो so, इसी तरीके से दिस इज ऑल फॉर टुडे यहाँ तक आज हम रुकेंगे आप लोग जो है ट्राई के आप टू मेमोराइज दीज़ ठीक है दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू मेमोराइज दीज फाइव ट्राई टू मेमोराइज दीज़ फाइव इफ़ यू कैन ओके ओके सो कमिंग बैक टू आर लेक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर सिक्सटीन दैट इज़ अबाउट एड लेट्स रिवाइज समथिंग वर्ब अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हम कहते हैं एड ठीक है यहाँ सॉरी ओके आई राइट हेयर एड एंड वर्ब ठीक है एड का क्या मतलब होता है टू एड समिंग एडिशन करना और वर्ब में एडिशन करना ठीक है यानी कि वर्ब में कोई चीज़ डालना ठीक है अब वर्ब हमारे पास क्या था हमने वर्ब को क्या डिफाइन किया था कोई भी एक्शन जहाँ जो वर्ड कोई भी एक्शन को शो करेगा या एन एक्शन वर्ड इज़ योर वर्ब फॉर एग्जांपल स्लीपिंग ईटिंग ड्रिंकिंग क्राइंग वीपिंग राइटिंग uh, प्लेइंग ये सारे एक्शंस है ना काम हैं उन सबको क्या कहते हैं वर्ब्स कहते हैं ठीक है थीके? अब एडवर्ब क्या होता है कि आप अपने वर्क आप जो भी काम कर रहे हो वो काम किस तरह से कर रहे हो वो जो वर्ड्स होंगे आपको बता रहे होंगे उसको हम कहते हैं एडवर्ब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मुझे Uh, आप आप लोग अपना काम कर रहे हो ठीक है मैं आपके पास आती हूँ और मैं किसी को कहती हूँ बेटा यू आर राइटिंग वेरी नीटली ठीक है या फिर मैं किसी के पास आके कहती हूँ कि यू आर और क्या कह सकते हैं हाँ और या फिर हम मैं कहूँ कि बेटा यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली अब देखें टॉकिंग या फिर राइटिंग अब अगर मैं आपसे कहती हूँ यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली अब टॉकिंग क्या है एक्शन है वर्ब है ठीक है और अब आप बोल रहे हो टॉकिंग का क्या मतलब है बोल रहे हो लेकिन कैसे बोल रहे हो लाउडली बोल रहे हो बहुत ऊंचा बोल रहे हो तो लाउडली आपके पास क्या होगा एड वर्ब ठीक है इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको टेस्ट दिया है और एनी वन ऑफ यू इज़ राइटिंग वेरी आप बहुत हल्का आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे हो ठीक है तो मैं आपसे कहूँगी कि बेटा यू आर वेरी स्लो राइट फास्ट ठीक है तो इसी तरीके से अब राइट क्या है काम करना राइट क्या है वर्ब है और किस तरह मैं आपको काम करने को कह रही हूँ मैं कह रही हूँ फास्ट काम करो ठीक है तो वो फास्ट क्या होगा एडवर्ब सो एडवर्ब क्या है कि जब आप बताते हो कि आप अपना वर्ब अपना जो एक्शन है अपना जो काम है वो किस तरह से कर रहे हो ठीक है जिस तरह <coughs> आप घर में कोई काम कर रहे होते हो तो आपकी मामा आपको कहती हैं कि हाँ आपने अच्छा काम किया है ठीक है यू हैव डन इट गुड या जिस तरीके से अगर आपने सुन अच्छा सुनाया है या फिर अगर आप शोर मचा रहे हो ठीक है अब आप जो है ये बोल रहे हो या खा रहे हो ठीक है अब ये सारे एक्शंस हैं ठीक है आप जिसने मैंने आपको बताया स्लीपिंग वीपिंग ये सारे एक्शंस हैं ठीक है अब ये एक्शंस आप कर तो रहे हो लेकिन एक्शन अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भाग रहे हो तो भागना क्या है एक एक्शन है ठीक है इसी तरीके से आप खा रहे हो यू आर ईटिंग ईटिंग क्या है एक्शन है विच इज़ योर वर्ब अब आप क्या खा रहे हो कब खा रहे हो कैसे खा रहे हो ये सारे वर्ड्स जो भी होंगे वो आपको क्या उसको आप क्या कहोगे एडवर्ब ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैम आई एम ईटिंग मैंगोज ठीक है या फिर आप जो है कहो कि मैम आई ईट माई ब्रेकफस्ट एट सेवन ओ ठीक है या फिर आप इस तरीके से बोलो कि मैम आई एम आई एम सिटिंग सैडली कि मैं बहुत उदास बैठी हूँ एम सिटिंग सैड ओबली जो है इसको होता है सो so, आपके पास जो आप कोई भी एक्शन है वो किस तरह से कर रहे हो उसको आप अपना एडवर्ड कहते हो ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल स्नेल मूव स्लोली अब यहाँ पर देखें स्नेल क्या है नाउन है ठीक है मूव्स क्या है मूव का क्या मतलब है चलना तो ये एक्शन है ना सो ये आपका क्या है वर्ब है इसके ऊपर छोटा सा वी लिख लें ठीक है अब स्नेल मूव स्नेल चलता है स्लोली स्लोली क्या बता रहा है कि स्नेल स्लोली चलता है तो स्लोली आपके पास क्या है दिस इज योर एडवर्ब ठीक है इसी तरीके से अ हॉर्स रन फास्ट अब अ हॉर्स हॉर्स क्या है नाउन है रन्ज भागना एक्शन है ना तो ये आपके पास क्या है वर्ब है अब घोड़ा भागता है फास्ट कैसे भागता है घोड़ा फास्ट भागता है तो फास्ट आपके पास क्या है एडवर्ब है ठीक है <coughs> इसी तरीके से the dog the dog is barking loudly the dog dog क्या है ये आपके पास आपका नाउन है ठीक है और barking क्या है barking भोंकना भोंकना एक काम है ना तो वो क्या है वर्ब है barking के ऊपर छोटा सा वी लिख ले अब कुत्ता भोंक रहा है लेकिन कैसे भोंक रहा है loudly बहुत ऊंचा ऊंचा बोल भोंक रहा है तो loudly आपके पास क्या है एडवर्ब है क्यों क्योंकि ये आपको बता रहा है कि कुत्ता जो भी काम कर रहा है भोंक रहा है तो वो कैसे भोंक रहा है ठीक है द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली अब बेबी क्या कर रहा है सो रहा है स्लीपिंग क्या है वर्ब है आपका ठीक है लेकिन बीबी बेबी कैसे सो रहा है साउंडली साउंडली का मतलब है सुकून से आराम से ठीक है तो अब बेबी सो रहा है स्लीपिंग इज़ योर वर्ब अब बेबी सो कैसे रहा है आराम से सो रहा है तो ये जो साउंडली है आराम से है ये आपका एड वर्ब है सो द वर्ड्स मूव रंस बार्किंग एंड स्लीपिंग आर वर्ब्स जिस तरह हमने सारों के हमने खुद ही से पहले ही जो है वो सारों के ऊपर वी वी लिख दिया कि ये हमारे वर्ब्स हैं एड वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टैल गिव यू मोर अबाउट वर्ब और एड वर्ब कौन कौन से वर्ड्स थे स्लोली फास्ट लाउडली साउंडली और ये सारे वर्ड हमें क्या बता रहे थे ये हमें सारे वर्ड्स हमें ये बता रहे थे कि जो भी आपका काम हो रहा है एक्शन जो भी हो रहा है जो वर्ब आपका हो रहा है वो बेसिकली हो कैसे रहा है कोई सो रहा है तो वो कैसे सो रहा है कोई भाग रहा है तो वो कैसे भाग रहा है फास्ट भाग रहा है स्लो भाग रहा है कोई चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है सो so, ये उसको आप क्या कहते हैं एडवर्ब्स कहते हैं आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर इंशाल्लाह बाय टुमारो विल आपने फॉर योर होमवर्क जस्ट रीड आउट दीज एग्जांपल्स ठीक है इसमें से आपने एग्जांपल को समझना है ताकि आपको जो है ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ आ जाए एंड बाई डू द एक्सरसाइज नंबर थर्टी टू दैट इज़ ऑल फॉर अल्लाह हाफिज़